नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी का रण कौन जीतेगा यह तो 10 मार्च को ही तय हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की बौछारें हो रही हैं वो वोटरों के बीच एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की है। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। ऐसे में प्रदेश में अलग अलग चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। साधु संत हो या फिर मुस्लिम धर्मगुरु, सब अपने अपने हिसाब से अब निष्ठा को दर्शा रहे हैं। किसी को बीजेपी ठीक लग रही है तो किसी को सपा, तो वहीं चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी लगभग इस मुद्दे को हर रैली में उठा रही है और हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सीएम योगी के लिए ऐसी दुआ मांगी है कि कट्टरपंथी बिलबिला जाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और संत परमहंस दास ने एक साथ प्रार्थना की। संत परमहंस दास और इकबाल अंसारी ने एक साथ योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रार्थना की। संत परमहंस ने हनुमान जी और रामलला से प्रार्थना की, वहीं इकबाल अंसारी ने बाकायदा हाथ उठाकर दुआ मांगी। बाबरी मस्जिद विवाद में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के लिए दुआ मांगने के बाद कहा कि देखिए, ये इलेक्शन का दौर है, यहाँ परमहंस आचार्य ने अपने धर्म के अनुसार पूजन किया, मैंने अपने धर्म के मुताबिक दुआएं मांगी। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए दुआ मांगी और पूजा पाठ किया। अंसारी ने कहा कि हम लोगों की यही मांग है और हम लोग ये चाहते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है और संतों के साथ धार्मिक आस्थाएं पूरी करना उनका धर्म है, हम लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा वो फिर से मुख्यमंत्री बने, अयोध्या में जो भी धार्मिक घर रहेगा उसमें हम साथ रहेंगे। बता दें कि इससे पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का स्वागत किया था। इकबाल अंसारी ने कहा था कि ये सौभाग्य की बात है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम समाज योगी को वोट करने जा रहा है क्योंकि ये पहली सरकार है जिसमें कोई दंगा नहीं हुआ, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं हुई, तो इस तरह से मुसलमान भी चाहते हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से सत्ता में आए। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद दे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।